तो हमने देखा कि दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में डक्ट्स होती हैं और एंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होती है। अब हम देखेंगे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनको हम हिंदी में बोलते हैं अंतरस्रावी, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने स्राव जो है वो दे देती हैं, ठीक है। और बाह्य स्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन के, उनके ग्लैंड से वो स्राव जो है बाहर निकलता है। तो जिन ग्रंथियों में वाहिकाएं या नालियां होती हैं, जिनसे होकर इनका स्राव या रस किसी विशेष अंग तक पहुंचकर अपना काम करता है, इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड्स बोलते हैं। और जिन ग्रंथियों के जो है जो उनका जो रस होता है, जिनको लिए हमें किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो ब्लड में ही डिजोल्व होकर रक्त के साथ ही जो है वो अपने लक्ष्य अंग तक पहुंच जाते हैं, उनको हम अंतरस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो रस होते हैं, तो जो जहां पर जिस तरह से वो पहुंचता है, तो जैसे हमारा था पसीना था, है ना। मेमोरी ग्लैंड्स में हमारा मिल्क होता है, लैक्टेशन, जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो दूध से मिलती है। और पसीना जो बाहर निकलता है स्वेट ग्लैंड से, तो वो पसीना होता है। लार बनती है, लार, तो वो उनको अलग अलग। लेकिन जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रस बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हार्मोन्स। एक तरह के विशेष ये केमिकल्स होते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्थानों में स्रावित करती हैं और रक्त के साथ मिलते हुए अपने जहां पर उनको जाना होता है, जहां पर उनका एक्शन होता है, वहां पहुंच जाती हैं। तो कई तरह के हार्मोन्स से हमारे अलग अलग ग्रंथियों से बनते हैं। और हार्मोन्स किसी एक स्पेशल जो कुछ केमिकल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो एक सब अपने में ही स्पेशल होता है। और उनका काम होता है किसी एक विशेष अंग के ऊपर जाके टारगेट करना, तो इनको हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। मुख्यतः ये प्रोटीन के बने होते हैं, और लेकिन इनमें कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं, इनसे बने होते हैं बेसिकली। तो हार्मोन्स का रक्त में सामान्य मात्रा से कम, अगर ये अधिक या कम हो जाते हैं, तो हमें कोई ना कोई बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इनकी जो है एक वैल्यू भी नॉर्मली मेंटेन होनी चाहिए। अब हम देखेंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे शरीर में कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे, हम हमारे शरीर में ये दिखाए गए हैं पिक्चर में कि हमारे जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो सबसे पहले हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा यहाँ पर है, ठीक है, मस्तिष्क में, आप कह सकते हो उसके पास में ही है। फिर हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, कि जो कि गले में होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। दोनों स्त्री और पुरुष में कुछ अलग होते हैं, तो ये दोनों में ही है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही जो होते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड होते हैं, इसमें भी दिख रहा होगा पैरा थायराइड ग्लैंड। फिर होता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमने किडनी के बारे में पढ़ा था, तब देखा था एड्रीनल ग्लैंड जो था वो किस पे है, रीनल पे है। रीनल, इसको हम सुप्रा रीनल भी कहते हैं। रीनल क्या होती है? किडनी होती है। तो किडनी के ऊपर जो दो टोपीधारी जो हमारे ग्लैंड से हमने जब देखा था किडनी वाले, उसमें उनको ही हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, इसलिए इनका नाम ही क्या है, एड्रीनल, रीनल के ऊपर चिपके हुए हैं, ठीक है। फिर हमारा होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ और आइलेट्स ऑफ लैंग्रहेंस। ये इनके तो जो है सेल्स के नाम है, बाकी पैनक्रियाज हम करते हैं। अब पैनक्रियाज जो है आगे हम पढ़ेंगे, ये देखो पैनक्रियाज की वो स्पेशल क्यों है। फिर एक हमारा आता है पीनियल ग्लैंड, या पीनियल बॉडी भी हम इसको कह देते हैं। पीनियल बॉडी भी हमारे मस्तिष्क में है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो नाम लिखा है ना, पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी, ठीक है। फिर एक हमारा आता है थायमस ग्लैंड, जिन्होंने अभी पूछा था, ये है हमारे हृदय में थायमस ग्लैंड। थायमस क्या है? ग्लैंड है, ओके। फिर हमारे गोनैड्स होते हैं, जो कि पुरुषों में और स्त्री में अलग होते हैं। तो पुरुषों में जो होते हैं वो टेस्टीज होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर टेस्टीज, और फीमेल्स में होती हैं ओवरीज, ये फीमेल्स में ओवरीज। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है, बाकी के ऊपर के ऑलमोस्ट हमारे जो सेम होते हैं। हम एक एक करके एक एक ग्रंथि को हम देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है, बिल्कुल हमारे यहाँ पर हमारे ब्रेन के साथ ही जुड़ी हुई होती है। ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे आप बीच में ये देख रहे हो कि ऊपर हाइपोथैलेमस है, उसके साथ ये हमारा अटका हुआ है पिट्यूटरी। ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, उसके साथ ये देखो इस स्टाक के साथ एक तरह से ये
हमारी ग्रंथि है, इसके दो लोब्स होते हैं, इसके साथ ये अटैच है हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। इसके दो खंड हो गए, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब बोलते हैं, तो एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइफोसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइफोसिस बोलते हैं। तो एंटीरियर लोब जो है एक्चुअल में वो ही हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा हमारे जो होते हैं हार्मोन्स जो है सिक्रीट होते हैं एंटीरियर वाले से, और पोस्टीरियर वाला जो होता है बेसिकली उसको हम नर्वस सिस्टम का ज्यादा, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे जो है इस पिक्चर को आप जूम हो जाएगी, हाँ ये आप देखोगे, ये देखो ये एंटीरियर वाला जो है ये लोब है, और ये पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वाला थोड़ा ब्रेन से डायरेक्टली अटैच है ना, इसीलिए इसमें देखो इनके सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, मैक्सिमम ज्यादा हमारे एंटीरियर से बन रहे हैं, इसलिए ये पार्ट ज्यादा एंटीरियर जो है एंडोक्राइन का काम करता है, निकल तो इसमें से भी हार्मोन रहे लेकिन ये तो यहाँ पे ब्रेन के साथ के स्टॉक से बेसिकली हमारा ये अटैच है, ठीक है ना। तो ये इसको हम न्यूरो, इसलिए न्यूरो हाइफोसिस कहते हैं, एंटीरियर लोब वास्तव में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और इसमें से कितने हार्मोन्स का स्राव होता है, 7 हार्मोन्स का। पोस्टीरियर लोब मस्तिष्क से संबंधित है और नर्वस का बना हुआ होता है, और यह हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है, इसमें 2 हार्मोन्स का स्राव होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 हार्मोन्स का स्राव होता है, और इसका निर्माण बेसिकली हाइपोथैलेमस में होता है, और इसके यहाँ पर जो है इनको स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद रिलीज होता है। तो ये हमारे इस तरह से है। अब हम देखेंगे दोनों हार्मोन से हमारे कौन कौन से जो है वो हार्मोन्स बनते हैं। तो जो हमारा एंटीरियर हार्मोन, जो एंटीरियर लोब है, वहां से हमारे 7 हार्मोन्स बन रहे हैं। पहला हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के नाम से ही पता चलेगा कि वो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर दूसरा है प्रोलैक्टिंग और लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब प्रोलैक्टिंग और लैक्टोजेनिक से भी नाम से आप समझोगे कि ये लैक्टेशन में मदद करता है, ठीक है। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो ये मिल्क बनाने में मदद करता है, ठीक है। हार्मोन ये सब में ही प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल दोनों में ही एक्टिविटी, लेकिन जैसे इसमें जरूरत होती है तब बढ़ जाती है। फिर एक है टीएसएच, जो यहाँ पे ये बनाता है। क्या है टीएसएच? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। अब इसे नाम से ही आप समझाओगे कि ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि थायराइड के खुद के भी खुद हार्मोन्स होंगे कि वो ठीक से काम करें, ओके। फिर एक इसका है एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। तो एड्रीनो, एड्रीनो ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड का जो है अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से। फिर एक है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमारी ओवरीज और टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए मदद करते हैं। फिर ऐसी एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। फिर एक होता है हमारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे मेलेनिन बनाने में मदद करता है। अब जो पोस्टीरियर लोब है, यहाँ से सिर्फ 2 हार्मोन्स बनते हैं, कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहाँ पढ़ा था हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कोई याद करे? मैम, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर ये यूरिन को कंट्रोल करता है ना? यस, हमने जब किडनी पढ़ी थी, हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे हमने देखा था ना कि वाटर की अब्जॉर्प्शन है तो यूरिन का कंसंट्रेशन जो है कैसा बनेगा, डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेटेड होगा, पानी ज्यादा होगा, कम होगा, है ना। वो एडीएच से मैंने बताया था, वहां पे नाम भी था, तो बताया था एंटी डायूरेटिक, तो इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये, यूरिन को रेगुलेशन में मदद करता है। इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। फिर एक और हार्मोन होता है, उसको हम ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं। अभी सिर्फ नाम के ऊपर ही देखते हैं, आगे हम इनके काम के ऊपर भी देखेंगे। अब हम गले की बात करेंगे, तो गले में हमारे कौन सा ग्लैंड है ये देखिए। गले में हमारे यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में ये बटरफ्लाई आकृति नुमा, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है? C7 से लेके T1 के बीच में हमारा ये प्रेजेंट होता है। C7 क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 7, ठीक है। ये हड्डी है, गले की हड्डी, सर्वाइकल वर्टिब्रा गले की हड्डी होती है। तो C7 से लेके T1, T1 कौन सा था हमारा?
थोरेसिक फर्स्ट। वर्टिब्रा T1 के, है ना, ये रहता है। इनका वजन लगभग लगभग 25 ग्राम के करीब रहता है और ये वस्कुलर ग्लैंड होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पर ब्लड भी होता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है हमारे कौन से हार्मोन्स बनाता है, ये हमारे दो हार्मोन्स बनाता है, एक तो T4 और T3 जो कि फॉलिकुलर सेल से बनते हैं। इनका काम बेसिकली हमारे शरीर का चयापचया जो फॉर्म होता है उसको रेगुलेट करने में होता है। और इसी के दूसरे पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन का बनाते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम होता है कि हमारे जो है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना, कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब हमने देखा कि एक और हार्मोन है थायराइड के नाम से मिलता जुलता, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है थायराइड हार के ऊपर ही चिपका हुआ होता है। इसी के ऊपर दो, यहाँ पर दो ऊपर और दो नीचे, मसूर के दाने के बराबर की चार छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, दो ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ, और इनको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से जो इनका हार्मोन बनता है वो होता है पैराथार्मोन। इसका भी काम कैल्शियम को रेगुलेट करने का होता है। तो कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एक जो है ज्यादा या कम होगा तो दूसरे को उसको मेंटेन करने के लिए उसी हिसाब से करना पड़ेगा। वैसे तो दोनों बैलेंस रह के ही करते हैं, तो इन दोनों का काम एक दूसरे को बैलेंस बनाने में करता है। हम आगे देखेंगे डिटेल में हार्मोन्स के बारे में करेंगे कि इस हार्मोन का क्या काम है, इसलिए अभी यहाँ पे सिर्फ नाम हम देखेंगे। अब हमने बात करी थी एड्रीनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स की। एड्रीनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स जो हमारे किडनी के ऊपर टोपी नुमा जो आकृति थी हमने देखा था, इनको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। ये तिकोने आकार की होती हैं, जैसे सेंटा क्लॉस की कैप आपने देखी होगी। तो जैसे हमारे किडनी में एक बाहरी भाग था जिसको हम कॉर्टेक्स कहते थे, बीच के भाग को मेडुला कहते थे, ऐसे ही एड्रीनल ग्लैंड में इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। जैसे किडनी में होता है ऐसे ही इसमें होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉर्टेक्स के अलग हार्मोन्स बनते हैं और मेडुला के अलग बनते हैं। अभी हमने कॉर्टेक्स का नाम थोड़ा सा देखा था ना, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, है ना। तो मतलब एड्रीनल के कॉर्टेक्स से कॉर्टिको वहां से बनता है। तो नाम के हिसाब से भी जो हार्मोन्स कई बार बनते हैं ना, जगह के हिसाब से भी होते हैं। जैसे कि अब इसमें यहाँ पे आप देखोगे ये किडनी है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम उसका सेक्शन करते हैं तो फिर आप देखोगे जो उसका भी एक कैप्सूल था जैसे किडनी का था, और फिर यहाँ पे बाहरी वाला यहाँ पे कॉर्टेक्स दिखा रहा है, बीच वाला क्या है हमारा मेडुला है, और यहाँ पे नीले रंग की क्या है ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। ठीक है, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वहां से भी देखो कितने सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, और बीच वाला मेडुला है वहां से भी ये हार्मोन्स बन रहे हैं। तो कॉर्टेक्स से जो हमारे हार्मोन्स जो उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या कह देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि हार्मोन को ना कई बार हम स्टेरॉइड्स भी कह देते हैं, कई जगह पर, सब जगह नहीं, इसीलिए जो होता है वैसे नॉर्मल फिनोमिना ही है। तो इनको हम क्या कह देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कितनी तरह के होते हैं, एक आउटर जोन से बनते हैं, एक मिडल जोन से, और एक इनर जोन से। क्योंकि जो कॉर्टेक्स है इस पिक्चर में शायद तीन जोन में, इसमें पिक्चर में इतना क्लियर नहीं, तीन जोन उसकी विभाजित होती है। तो तीनों जोन से जो है अलग अलग हार्मोन बनते हैं। बाहरी वाली से बनता है हमारा मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो मिनरल नाम से ही हो रहा है, ये मिनरल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका दूसरा नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। मिडल जोन में से हमारे जो बनते हैं जो हार्मोन वो होता है हमारा ग्लूको, यहाँ पे ग्लूनो लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स से समझेगी, वो ग्लूकोज का लेवल बेसिकली मेंटेन करने में भी मदद करता है। तो कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। फिर अंदर वाले से हमारे गोनेडो कॉर्टिकॉइड्स, गोनेडो से मतलब हो गया हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल के, वो यहीं से ही होते हैं। मेल का सेक्सुअल हार्मोन होता है एंड्रोजन और फीमेल का होता है ईस्ट्रोजन, ठीक है, क्लियर। अब है हमारा अंदर का एड्रिनल मेडुला, जो आंतरिक भाग जो कॉर्टेक्स से घिरा हुआ होता है वो एड्रिनल मेडुला होते हैं। यहाँ पे दो हार्मोन्स बनते हैं, एक को हम बोलते हैं एड्रिनालीन और एक होता है नॉर एड्रिनालीन। इनका ही दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन।
आगे चलते हैं। अब हम आएंगे बात करेंगे पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज के जो होते हैं इसमें जो है हमारा दो तरह के काम करता है। एक तो ये अपने रसों को ट्यूब के माध्यम से भी भेज देता है। हमने पढ़ा था ना पैनक्रियाटिक, ये अल्कलाइन बनाने में मदद करता है, जो हमारी आंतों में भोजन आता है पेट से निकला हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमने पढ़ा था हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से खाना हमारा बहुत ही एसिडिक होता है, उसको अल्कलाइन भी करना होता है ताकि वो इजिली पचे। उसके लिए यहाँ पर जो है पैनक्रियाटिक जूस और बाइल लिवर से यहाँ जाता है, उस खाने को पचाने में मदद करता है और एसिड से अल्कलाइन भी करता है। तो पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे ट्यूब के माध्यम से आता है, डक्ट्स होती हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपने रस होते हैं वो ट्यूब के माध्यम से भाजते हैं, डक्ट के माध्यम से देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ सेल्स होते हैं जो कि अपने रस को डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं और फिर वो जो काम होता है वो किया जाता है। तो इसीलिए जो हमारा पैनक्रियाज है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। दिस इज द ओनली ऑर्गन पूरे शरीर में इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही काम करता है, नहीं तो सारे काम अपने अपने हिसाब से करते हैं। दिस इज द ओनली ग्लैंड जो दोनों काम करता है, तो एंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी, दोनों के रूप में कार्य करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है, तो अंतःस्रावी का हार्मोन जो है सीधे रक्त धारा में स्रावित करता है, परंतु इसका कुल भाग लगभग 1% ही है। तो इसके कुछ सेल्स जो हमारे हार्मोन्स जो बनाते हैं वो अलग स्पेशल तरह के हमारे सेल्स होते हैं, वो होते हैं हमारे लैंगरहैंस आइलेट्स, या इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी हम बोल देते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर हमारे अब अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, कितने, 4 तरह के। तो यह भाग जिससे अग्नाशायिक मतलब ये जो हमारा पैनक्रियाटिक दीपिकाएं सेल्स जो होते हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं, इनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। और ये कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, देखो ये दिख रहा होगा ना, ये बंच में होते हैं जो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, स्टोर भी करते हैं सिक्रीट भी करते हैं। और एक एडल्ट पैनक्रियाज में लगभग 2 लाख से 20 लाख के बीच जो होते हैं हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पूरे लिवर में सॉरी पैनक्रियाज में फैले हुए हैं, पूरे पैनक्रियाज में फैले हुए हैं। पिक्चर आपको देख रहे हो ना, ये दिखाइए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसके अंदर अलग 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 तरह के सेल है। अब द्वीपिकाओं में इनमें 4 विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं, कौन से होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एक अन्य तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो मेन अल्फा बीटा डेल्टा और एक ये स्पेशल। तो अल्फा सेल्स जो बनाते हैं ग्लूकोज वो बनता है हमारा ग्लूकोगन, वो क्या होता है ग्लूकोगन। बीटा सेल्स हमारा कौन सा हार्मोन बनाते हैं, इंसुलिन, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना हुआ होगा। इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, कोई बताएंगे, डायबिटीज। यस वेरी गुड, कमी की वजह से, कमी नहीं होगी लो हो जाता सही है, रहता है लो शुगर हो जाएगा वो तो। हाँ तो वो हम देखेंगे कि क्यों क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे अल्फा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागन जो है हार्मोन, यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन बनता है, डेल्टा सेल्स एक बनाते हैं सोमेटोस्टोनिन हार्मोन, ठीक है। और हमारे कुछ यहाँ पर कुछ सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब ये एंजाइम टाइप के होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में भी मदद करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी की। पीनियल ग्लैंड और पीनियल बॉडी भी हमारे मस्तिष्क में होता है, कहाँ होता है, हमारे मस्तिष्क में। ये भी मटर के दाने के आकार की लाल से भूरे रंग की रचना होती है, ठीक है। और जब एडल्ट जब हो जाता है तो उसके बाद ये जो होती है सिकुड़ जाती है, उसकी एट्रॉफी हो जाती है, अपक्षय हो जाती है, और उसके बाद ये हार्ड होनी शुरू हो जाती है, तो वृद्धावस्था में ये कैल्सिफाइड हो जाती है। तो उसके बाद जब एक्सरे वगैरह में, क्योंकि एक्सरे में हार्ड चीजें ही पता चलती ना, तब उसमें पता चलती है, पहले ऐसे नहीं वो होती है। इस पिक्चर में दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पीनियल ग्लैंड, ये था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किस पार्ट से चिपका हुआ था, हाइपोथैलेमस, ये हल्का सा येलो पेन पे दिख रहा है, ये हाइपोथैलेमस है, ओके। ये पीछे आपको जो दिख रहा है ये आपका है पीनियल ग्लैंड, मस्तिष्क के पास ही है बिल्कुल, ये पीनियल ग्लैंड है। और ये आपका मस्तिष्क का मुख्य रूप से एक पार्ट होता है, इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं, ओके।
ये छोटा मस्तिष्क है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये छोटा मस्तिष्क है, ये बड़ा वाला पार्ट है हमारा। तो ये देखो, ये इसी के साथ ही हमारी ये पीनियल ग्लैंड है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे थायमस ग्लैंड की। थायमस ग्लैंड कहाँ है? हमारे हृदय के पास, हमारी छाती में। कहाँ पर होता है? स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी हमारी छाती की बोन है, उसके पीछे ट्रैकिया का जहां पर विभाजित होता है वहीं पर ही लगभग ये स्थित होता है। और ये है तो हमारा बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन ये हमारे एक लिम्फोइड ऑर्गन भी है। इसमें दो लोब्स होते हैं बेसिकली, इसमें भी कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। जो बाहर का आपको इसमें दिख रहा होगा कॉर्टेक्स है, और अंदर का मेडुला होता है। तो इसके सेल्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट्स, क्योंकि एक लिम्फोइड ऑर्गन भी है, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। और यहाँ पर कॉर्टेक्स में तो असंख्य होते हैं, बाहर असंख्य होते हैं, अंदर थोड़े कम इसके सेल्स होते हैं। और इनको हम जो बोलते हैं एहसल्स, कार्पसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आकार इनमें बच्चों में तो जो होता है, जब तक बच्चे की 2 वर्ष की उम्र नहीं हो जाती तब तक तो ये बढ़ते हैं, उसके बाद ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब वयस्क में ये है मात्र तंतु में अवशेष की अवस्था में पाए जाते हैं। तो बच्चों में इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद ये इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। और इनका जो मेन काम होता है, जो हमारे इसके सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टी सेल्स, क्योंकि थाइमस में है तो टी सेल्स। और ये हमारे लिम्फोसाइट्स में काम करते हैं, तो ये इसको हम टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। उनको बनाने में बेसिकली इनका रोल होता है कि टी लिम्फोसाइट्स मदद करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हमने कहाँ पढ़ा था, कोई याद करेगा? लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े थे मैम टिशू में पढ़े थे क्या? टिश्यू में नहीं टिशू में मैम? नहीं, टिश्यू मैम में नहीं, सर्कुलेशन सिस्टम ब्लड में। लिम्फ ऐसा अलग से नहीं पढ़ा है, लेकिन जब हमने WBC के बारे में पढ़ा था, वहां पे जब हमारे जो थे न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स, वहां पर थोड़ा सा जब थे इम्यूनिटी के बारे में। ये लिम्फ का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेन जो होता है ना, लिम्फ जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली हमारा इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं ये हमारी इम्यूनिटी में बेसिकली रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या गोनाड्स की बात होती है। तो ये हमारे यहाँ पर सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं। मेल में जो टेस्टीज बनाती हैं, टेस्टीज जो पार्ट होता है ये नीचे, टेस्टिकल्स जो हमारे यहाँ पर टेस्टीज, और फीमेल में हमारी ओवरीज होती हैं। 2 ओवरीज होती हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, वहां से हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मेल की टेस्टीज से कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टिरोन। टेस्टीज है टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल से बनता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या बनता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन ये दोनों हार्मोन्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में सिर्फ टेस्ट, यहाँ पे मात्रा ज्यादा होती है। महिलाओं में भी थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरॉन होता है और पुरुषों में भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है, कम कम मात्रा में। डोमिनेंसी टेस्टोस्टेरॉन की होती है, क्योंकि हमारे जो है बाकी हार्मोन्स का भी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है थोड़ा सा। तो जिसकी डोमिनेंसी होगी तो हम उसी तरह से स्त्री या पुरुष के रूप में हम होते हैं। अब हम वापस एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन का क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा था। यहाँ पे देखा था हाइपोथैलेमस के साथ अटैच था, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट थे। तो सबसे पहला जो था हमारा हार्मोन था ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से मैंने सब बताया था आप, ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसको GH स्मॉल शॉर्ट में हम GH या ग्रोथ हार्मोन बोल देते हैं। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी इसको हम कहते हैं, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच था। इसका क्या काम है? शरीर की लंबाई या वृद्धि करता है, लंबाई भी चौड़ाई भी। अगर कमी आ जाएगी तो लंबा नहीं होगा आदमी, क्या रह जाएगा? ड्वार्फ या बौनापन रह जाएगा। और अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? अतिकायता, मतलब जायंट बोलते हैं हम इसके एग्जाम्पल। वैसे तो मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर नॉर्मल से आप देखोगे तो मैं वैसे बोलूंगी जैसे आप खली को देखा है, कंपैरेटिवली आपको लगता है ना कि भाई इतना लंबा आदमी कैसे, तो वो मतलब उसकी ग्रोथ अप्रोप्रिएट नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले एक छोटा सा कलाकार आता है, अब्दुल क्रोजिक को हम देख लेते हैं, जो बिग बॉस में कुछ दिन, छोटा है, उसकी उम्र शायद 20 साल थी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे 4-5 साल का बच्चा है ना। तो
तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का है। आई डोंट नो अबाउट दोज पीपल, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल देने पे बता रही हूँ कि उम्र के हिसाब से जैसे अप्रोप्रिएट हमारी हाइट होनी चाहिए, हमारा वेट होना चाहिए, हमारे बॉडी बिल्ट होना चाहिए, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा दूसरा हार्मोन था प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है लैक्टोजेनिक है या प्रोलैक्टिन, लैक्टेशन से इसका काम होगा। तो ये कहाँ होता है? स्त्रियों में होता है, वैसे तो पुरुषों में भी होता ही है, लेकिन मेन इसकी डोमिनेंसी ऑब्वियसली स्त्रियों में ही इसका काम वो होता है। तो इसका काम क्या होता है कि जब कोई भी बेबी की डिलीवरी होती है, जब प्रसव के बाद जो बच्चा जो आता है उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो मेमरी ग्लैंड से फिर मिल्क का प्रोडक्शन का काम शुरू होता है, तो जो कि इन्हीं का ही काम है, प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और लेकिन इसके साथ साथ दो हार्मोन्स और साथ में काम करते हैं, प्रोलैक्टिन के साथ साथ जो है हमारा और भी हार्मोन्स काम करते हैं। तो स्त्रियों में होता है, इसके दो कार्य होते हैं, पहला ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ मिलकर ये करता है कि गर्भ अवस्था में दोनों स्तनों में नालियों को विकसित करता है, ताकि वहां पे जब लैक्टेशन, जब मिल्क का फॉर्मेशन अच्छे से हो। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसके डक्ट्स की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, और उसके बाद जब डिलीवरी के बाद प्रसव के दौरान दुग्ध उत्पादन को भी ये प्रेरित करता है कि वहां पे मिल्क की फॉर्मेशन में इसके वजह से काम होता है। तो कहाँ से आता है ये? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से आया प्रोलैक्टिन, और एक और होता है हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन का अभी हम आगे काम देखें, लेकिन फिर भी बता दूं, उसका काम होता है सिकोड़ने का। ऑक्सीटॉक्सिन का काम होता है सिकोड़ने का। तो यहाँ पे क्या सिकोड़ेगा? यहाँ पे जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो दूध जो होगा वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, मिल्क लेट डाउन। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकालने का काम करेगा, प्रोलैक्टिन मिल्क बनाने का काम करेगा। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है तो फिर ये अपने आप इस तरह से काम करते हैं। क्लियर है सबको? अब है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये भी कहाँ बनता है? ये सारे अभी मैं सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में पढ़ रही हूँ। अभी हम जो सबसे पहले पढ़ा था, जो हमारे मस्तिष्क में था ना पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसका एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर, अभी हम सिर्फ एंटीरियर लोब के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि वहां पे कौन से हार्मोन्स हैं, उनका क्या काम है। अब है हमारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही समझ लो आप, थायराइड को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। तो ये क्या होता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा, यहाँ से क्या बना? TSH। TSH जो है हमारा क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी लेकिन ब्रेन से मैसेज आता है। कहाँ से मैसेज आता है? हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है। उसको क्या कहते हैं? वो जो हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, TRH। क्या कहते हैं इसको? TRH। ये क्या कहता है? इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये कहते हैं कि भैया तुम थायराइड को बनाने के लिए वो करो, तुम भेजो रिलीज करने के लिए। फिर ये क्या करता है? ये रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि थायराइड जो है वो अपने हार्मोन्स अच्छे से बनाए। जब वो करता है स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड को, तो थायराइड ग्लैंड अपने कौन से मुख्यतः T3 T4 ये अपने बनाता है, और ये हमारे किस में काम करते हैं? ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं। तो TSH प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन, कंट्रोल बाय टू कंट्रोल टू और टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T3 और T4। अगर ये TSH कम या ज्यादा होगा तो ये काम ठीक से नहीं करेंगे। अगर TSH ज्यादा बढ़ेगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी होगी। और अगर ये यहाँ पर ये जो TRH, तो ये था TRH जो थायरोट्रोपिन या थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन हम इसे बोलते हैं, ये स्टिमुलेट करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वहां से TSH रिलीज हो। ठीक है, फिर हम T3 और T4 या TSH, ये थायरॉयड के हार्मोन्स, ये तीनों स्पेशली ठीक से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, हमारी बॉडी में गड़बड़ तो नहीं हो रही? तो इसके लिए फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, कि थायराइड आपका ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 T4 और TSH, इनका मेजरमेंट किया जाता है। अगर ये गड़बड़ होते हैं तो हमें थायराइड
जो थायराइड के रोग होते हैं वो होने के चांसेस होते हैं। कौन से रोग होते हैं? हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म, मतलब या तो एक हार्मोन ज्यादा बनाएगा या एक कम बनाएगा, वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से। तो T3 का फुल फॉर्म है ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 का क्या नाम है? टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, और TSH का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है ये? अब T3 T4 का क्या काम है? अभी हमने बात करी थी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारा चयापचय को कंट्रोल करता है, हमारे वजन को भी कंट्रोल, क्योंकि चयापचय से ही हमारा वजन का वो होता है, तो ये हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ उसी की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी होता है, कई लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, तो ये सब चीजें उसी की वजह से होती है। ये हमारे माइंड के ऊपर भी काम करता है, मूड आपके कैसे हैं, ब्रेन फंक्शनिंग और डेवलपमेंट पे भी ये काम करता है ना। कई बार आप कहते हैं ना कि नमक में जो है आयोडीन मिला होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन आपके दिमाग के लिए अच्छा है, तो आयोडीन हमारे जो है थायराइड के लिए भी अच्छा होता है, कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको जो है थायराइड की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। सुना होगा आपने, अगर थायराइड की प्रॉब्लम्स होंगी तो आपके ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा, और आपके हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो नॉर्मल रेंज जो होती है एक एडल्ट में T3 की होती है 0.6 से लेके 1.1 नैनोग्राम, ठीक है, नैनोग्राम पर मिली लीटर में है, और T4 होता है 5 से लेके 12.5 मिलीग्राम, ये सॉरी माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर का है, और TSH 0.3 से 5.5 का, ये IU इंटरनेशनल यूनिट से पर मिलीलीटर। तो ये इनकी रेंज होती है, इसको आप लैब में टेस्ट करके अगर किसी को कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो हम उसी हिसाब से वो कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इस पिक्चर में हमने पहले वैसे देखा था, तो TRH हाइपोथैलेमस से TRH निकलेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि भैया तुम अपने जो है हार्मोन को रिलीज करो, वो TSH रिलीज करेगा, TSH रिलीज होगा वो थायराइड से T3 T4 और कैल्सिटोनिन को वो करेगा, और फिर उसके बाद जो है अगर नहीं होता है तो ब्रेन को वापस मैसेज जाएगा, तो उसी हिसाब से ही ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट आता है इसका, तो बॉडी के अंदर हमारे काफी चीजें एक दूसरे के साथ निर्भर करती हैं। तो कई बारी देखने के लिए कि T3 T4 TSH इनके लेवल को देखते हुए कि भाई क्या है, हमें हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म जो है, हाइपोथायरायडिज्म में क्या होता है कि हमारे थायराइड का जो है एक्टिविटी कम होगी, हाइपर में ज्यादा हो जाएगी, तो जो हार्मोन्स हमारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं या कैसे हैं, क्योंकि अगर TSH तो ज्यादा है, ज्यादा हो गया, लेकिन वो तो अपना नॉर्मल निकाल रहे हैं, तो क्या होगा इसका मतलब, ये ज्यादा है तो इनको भी ज्यादा करना चाहिए, तो ये एक तरह से प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म है। अगर ये ज्यादा है, ये और भी कम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पर हाइपरथायरायडिज्म की बीमारी होगी, कम है तो हाइपोथायरायडिज्म, ठीक है। तो ये सारे लेवल को देखते हुए हम देखते हैं, अब हम देखेंगे हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं। हाइपोथायरायडिज्म, अब हाइपोथायरायडिज्म में आप ये देखोगे कि ना स्लो हो गया है, किसका काम? थायराइड का काम, वो धीरे धीरे अपने हार्मोन्स भेज रहा है, जब वो धीरे धीरे भेजेगा आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आराम आराम से काम करेंगे, जहां पे आराम आएगा तो भैया वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा सेल्स जो होते हैं वो और बड़े होंगे, काम भाई और ज्यादा बनाने के उससे, तो जो आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने की वजह से उस बीमारी को हम गॉइटर कहते हैं, आपका हार्ट रेट भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सब काम हो रहा है, अरे भैया मैं भी क्या करूं, इतनी फास्ट आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जब बॉडी के अंदर स्लोनेस आएगी तो आपको ठंड लगेगी भैया, है ना, ठंड भी लगेगी तो आपको बर्दाश्त नहीं होगी, आदमी डिप्रेशन की तरफ हो जाता है, स्लो हो जाता है ना डिप्रेशन में, तो आराम से बैठा है, थकान लगेगी, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाएगा तो आपके पीरियड्स इरेगुलेट होते हैं, ठीक से नहीं आएंगे, इनफर्टिलिटी के भी चांसेस हो जाते हैं,
अब स्लो स्लो चल रहा है तो भैया जो आपकी इंटेस्टाइन भी स्लो चल रही है, सूखी पड़ी है, स्लो चल रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही। स्लोनेस में ड्राइनेस हो रही है तो आपको जोड़ों का दर्द भी होगा, ब्लड की कमी भी हो जाएगी, स्लो सब कुछ स्लो। तो रक्त अल्पता मतलब ब्लड का भी जो है कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों में जब होता है तो उसको क्रेटिनिज्म हम बोलते हैं, जिसमें बच्चों की हड्डियां उसकी डेवलपमेंट बेसिकली बहुत तो होगी, हर स्लो काम होगा, ठीक है। और बड़ों में क्या बीमारी होगी, मिक्स एडिमा, क्योंकि वहां पर सूजन आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा। तो बीपी भी, यहाँ पर हार्ट रेट स्लो है, बीपी भी स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म, क्योंकि अब स्लो चल रहा है ना मेटाबॉलिज्म, एनर्जी इतनी बन रही नहीं है, मतलब स्लो बन रही है, स्लो सब कुछ हो रहा है, इतनी यूटिलाइज नहीं हो रही, वो स्लो स्लो उसमें हो रही है। तो ये हमारे तो क्या होगा, सूजन आ जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, ये है हमारे हाइपोथायरायडिज्म में। इसको याद करने के लिए आप सोच सकते हो, हाइपो में ओ आ रहा है, ओ मतलब ओबेसिटी, तो सॉर्ट ऑफ ओबेसिटी वाले आप इसमें दोगे कि ये मोटे वाला, हाइपो मतलब होता है मोटापे वाला, आपको थायराइड की बीमारी हो रही है। अब दूसरा आ गया है हाइपरथायरायडिज्म, एक्टिविटी बढ़ गई, हाइपर मतलब ज्यादा, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, अरे भैया टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, बड़े दिल धड़क रहा है जल्दी जल्दी। जो आदमी इतनी मेहनत करेगा, बैठेगा नहीं, उसका क्या मोटापा आएगा, उसका वजन कम होगा, और उसका माइंड बहुत चलेगा, एंजाइटी रहेगी ज्यादा होगा, नींद नहीं आएगी, एक्टिविटी बहुत है, पीरियड्स यहाँ पे भी गड़बड़ रहेंगे, नर्वनेस यार क्या करूं क्या करूं, घबराहट रहेगी, चिड़बड़ाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा भाग दौड़ वो रहेगी उसकी वजन तो कमेगा ही होगा, और ज्यादा एक्टिविटी वालों को गर्मी बढ़ लगेगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, सांस भी फूलेगा, कंपन भी हो जाएगा, कांपेंगे शरीर, क्या होगा, हाइपर थायरिडिज्म। यहाँ पे सब कुछ तेज तेज हो रहा है, वहां पे स्लो स्लो हो रहा था, क्लियर है। अब है हमारा नेक्स्ट हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से है, ACTH। अब इसके नाम से ही क्या है, एड्रीनो, हमने पढ़ा था एड्रीनल ग्लैंड का क्या था, उसमें कॉर्टेक्स था, तो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये एड्रीनल के कॉर्टिक से वहां से बनता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, तो इसको हम कॉर्टिकोट्रॉपिन भी बोल देते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये जो है बनता है, और ये क्या करता है, बेसिकली रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो ये हमारा हार्मोन बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर सिस्टम में थोड़ा सा इसका रोल प्ले करता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने पढ़े थे, तीन तरह के हमारे बन रहे थे ना, उसको हम जो थे हमारे कॉर्टिसोल नियंत्रित करता है। अगर ACTH कम होगा तो क्या होगा, स्लो हो रहा है, तो एड्रिनल ग्लैंडिन की जो है ये वो भी काम कम करेगा। एक मिनट जी, हाँ ओजस से बात हो सकती ओके तो हमारा जो, अगर ACTH कम होगा तो एड्रिनल का इसका मतलब ग्लैंड जो हमारा कम काम कर रहा है तो क्या होगा, ब्लड पे ब्लड जो हमारा कम होगा, ब्लड की तरफ कम होगा तो त्वचा पीली पड़ जाएगी, है ना। और अगर वहीं पे ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम, वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, तो हमारे इतना बढ़ जाएगा कि चेहरे पे भी हमारी ब्लड कैपिलरीज बड़ी फूली फूली सी दिखाई देंगी, है ना। तो ये कम या ज्यादा वाली बात है। और क्या होगा, जो हमारे अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, त्वचा जो है ना पतली हो जाएगी फिर ज्यादा उससे, और कई बार इतनी ज्यादा ब्लड ग्रुप प्रेशर पड़ने से क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे कि हमारे बॉडी के ऊपर जो नील से पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस से जो है हमारे मैसेज जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स को, वहां से हमारा ACTH, और ये हमारे बेसिकली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में जो है इसका रोल प्ले करता है। तो फिर है हमारा
LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये बेसिकली हमारे फीमेल में सेक्सुअल हार्मोन्स और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है कि जो हमारे अंडे की जो डेवलपमेंट है ये उसको बेसिकली काम करता है, और ये हमारे जो मेल्स में जो स्पर्म्स की डेवलपमेंट भी काम करता है। तो ये हमारे इसमें जो है LH जो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, मतलब हमारा सेक्सुअल रिलेटेड हार्मोन है जो गोनाड से रिलीज होता है के ऊपर काम करता है, और ये हमारे जो एग की डेवलपमेंट में हमारे जो हर महीने जो एग जो होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसको यहाँ पे करता है। ये क्या करता है, मैच्योर एग को रिलीज करता है, ये एग को रिलीज करने में बेसिकली काम करते हैं। तो मेल में भी इसी प्रकार ये जो काम करता है कि वहां पर जो है टेस्टिस से स्पर्म जो है वो उनके जो है रिलीज हो, टेस्टोस्टेरोन। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के ऊपर काम करते हैं ताकि वो अपने ठीक से काम करे। FSH भी यही है, FSH में जो निकलते हैं जो एग जो रिलीज हुआ मैच्योर एग उसकी डेवलपमेंट के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि वो फिर उसको और जो है अच्छे से जो है वो काम करें। और ये मेल में भी जो होता है स्पर्म बनाने वाले को करता है कि जो स्पर्म्स जो नंबर जितने भी नंबर हैं वो उनको कंट्रोल करता है। तो LH और FSH दोनों एक साथ ही काम करते हैं। फिर एक हमारा था MSH जिसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये बेसिकली हमारे जो हमारे स्किन के जो हमें उसमें हेल्प करता है कि जो बचाता भी है जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और हमारी पिगमेंटेशन की डेवलपमेंट में ये बेसिकली हमारे को ये काम करता है। तो ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हमारे FSH और LH और हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज ये हमारे मिलके ही बेसिकली हमारे ओवरीज के ऊपर काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं अलग अलग स्टेजेस में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो अभी है ये हम कल लेंगे, ठीक है, मुझे लगता है आज ना समय हो गया, आज नहीं हो पाएगा, हम कल लेंगे, तो कल आप सबसे फिर बात होगी। फिलहाल जो है एक प्रार्थना से हम अपने सत्र को यहीं पे जो है विराम देते हैं।